सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ठीक है, ओके. सेरेमन सेवेंथ इज मोर ऑन द साइड ऑफ एक्सेशन एंड क्वालिटीज ऑफ अल्लाह. क्या बात है. सो इमाम अली सेज द सेरेमन इज अबाउट द अनपैरेलल्ड ग्रेटनेस एंड वननेस ऑफ अल्लाह. इमाम अली हाइलाइट्स द डिवाइन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, एम्फसाइजिंग दैट ही इज बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन एंड डिस्क्रिप्शन, इटर्नल, अनचेंजिंग विदाउट एनी As the attribute of God is beyond any comparison, cannot be defined by human characteristics and inability of human mind to fully grasp the essence of God. Okay, ये बात हमको वैसे तो पता होगी, ठीक है? लेकिन इमाम अली कह रहे हैं कि जिस इंसान का एक चीज होती है ना कि आपको पता है, एक चीज होती है जानना और एक चीज होती है मानना, दोनों में क्या फर्क है? लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट. और हम इस चीज पे बहुत दफा बात कर चुके हैं कि मैं इसको जानता हूँ, मैं नरगिस को जानता हूँ, मैं फरीद रुमानी को जानती हूँ. और एक बात होती है मैं नरगिस को समझता हूँ, या मैं फरीद रुमानी को समझता हूँ, या मैं परवीन लखानी को समझता हूँ, या मैं अपने बेटे को समझता हूँ, अपनी डॉटर इन लॉ को समझता हूँ, अपने हस्बैंड को समझता हूँ, अपने दादा को समझता हूँ, यू नो. सो क्या डिफरेंस है? हम बहुत दफा लोगों को पहचानते हैं बट जानते नहीं है. व्हाट्स द डिफरेंस? खुदा को तब पहचाना जब मैंने अपने इरादों को टूटता हुआ पाया, यानी आई गॉट टू नो गॉड जब मेरी स्ट्रेंथ को मैंने दुनियावी तौर पे टूटता हुआ, खत्म होता हुआ पाया, दैट देयर इज नो सेवियर, मैं हारने वाला हूँ, मैं खत्म हूँ, मेरे साथ मेरे से काम नहीं होगा. हम सोचते हैं ना बहुत दफा लाइफ में कि लाइफ इज हॉल्ट, खत्म हो गई है लाइफ, देयर इज नो वे आउट, देर इज नो हेल्प, देर इज इवन नो होप, देर इज नो बडी टू असिस्ट. आई हैव ऑलवेज फेल्ड एंड आई विल फेल दिस टाइम एज वेल, एंड फाइनली डॉट 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 आई क्विट. और आई क्विट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं. लोग या तो लाइफ में जीते रहते हैं बट मुस्कुराते नहीं है, लोग जीते रहते हैं बट चिड़चिड़े हो जाते हैं. आपने लोगों को देखा होगा फालतू में गुस्सा आ रहा है, कितने लोग जानते हैं ऐसे लोगों को, शायद आप भी ऐसे बन जाते हैं कभी कभार, यस और नो, राइट? सो जब आपकी होप्स खत्म हो जाती है ना तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, राइट? क्योंकि आपको लगता है देर इज नो हेल्प, ठीक है, और मैं फेल हो जाऊंगा अगर दुनियावी तौर पे मैं नहीं कर पाया तो कोई और मेरे अलावा इस काम को नहीं संभालेगा. इकोनॉमिकली मुझे कोई नहीं संभालेगा, हेल्थ वाइज मुझे कोई नहीं संभालेगा, इमोशनली नहीं संभालेगा. बहुत सारे सीनियर्स को ये डर होता है, कितने लोग ऑनेस्टली हाथ उठाएंगे, बहुत मुश्किल है इस पे हाथ उठाना, लेकिन ये साइकोलॉजी कहती है कि आफ्टर यू टर्न 60 सबसे बड़ा डर होता है कि मुझे कुछ हो गया तो मुझे कौन संभालेगा. रेज योर हैंड, कितने लोगों में दम है हाथ उठाने का, लेट्स सी हाउ मच ऑनेस्ट यू आर. ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है एक्सेप्ट फॉर दोज जो खुदा को पहचानते हैं. तो इमाम अली जो कि खुद दुनियावी तौर पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक है, जो उनको स्पिरिचुअली जानते हैं वो अलग ही है, राइट? हमारा मजहब स्पिरिचुअली जानता है, बट जो दुनियावी तौर पे एज अ पावरफुल पर्सनैलिटी जानते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने खुदा को तब पहचाना जब मैंने अपने इरादों को टूटता हुआ पाया. तो यानी इमाम अली जैसा आदमी दुनियावी तौर पे जो कैबर का गेट को उठा के इतना ऊपर फेंकता है आसमान में कि वो नजर नहीं आता, और खैबर के किले के वेट के ऊपर साइंटिफिक एनालिसिस हुआ कि 1,000 पहलवानों ने आके उठाने की कोशिश की, वो लिफ्ट तक नहीं कर पाए, इतना हैवी लोहे का किला था. तो मैम ने एक 5 फिट एवरेज हाइट के पर्सन होने के बावजूद इतना ऊंचा फेंक दिया कि दुनिया आसमान में देख रही थी और वो नजर नहीं आया, और फिर आके धुप करके गिरा और उस पर चढ़ के मुसलमान की फौज गई और उन्होंने एक हाथ से पकड़ा हुआ था. तो वो आदमी, उसका भी इरादा दुनियावी तौर पे टूटता है. इमाम ने कहा है तो टूटा होगा, तभी कहा ना दुनियावी तौर पे सिखाने के लिए. कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, यस और नो, राइट? तो हर चीज का एक जाहिर है एक बातिन है, राइट? एक इमाम का जाहिर भी है, एक इमाम का बातिन भी है, राइट? तो उन्होंने हमें सिखाने के लिए कहा. तो जब आप किसी के साथ, आपका फ्रेंड हो, आपका एक्वेंटस हो, आपका बॉस हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हो, आप जानते हो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पीपल टॉक टू ईच अदर, रिलेशनशिप्स होते हैं, न्यू कपल,
ऑलवेज टॉक टू इच अदर। आप बोलोगे यार तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती है, और एक टाइम होता है कि बातें नहीं होती है, राइट? क्यों? क्योंकि अब पहचानना शुरू कर दिया, राइट? लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, व्हाट यू डिड फॉर मी, व्हाट आई डिड फॉर यू, ओ बहुत सारी चीजें फ्लफ थी, जो दिख रहा था वो हो नहीं रहा था, यस और नो, राइट? जब मेरे पास पावर थी तो सब मेरे पास थे, जब नहीं थी तो मैंने लोगों को पहचानना शुरू किया कि अब कौन खड़ा है मेरे साथ। जब मेरी हेल्थ थी तो सब खड़े हुए थे, जब मेरे पास पैसे थे तो सब खड़े हुए थे, जब चले गए तो अब मैंने पहचानना शुरू किया। तो पहचानना इज रिलेटिव, कि आपके साथ कुछ हो जाए और आप वीक हो जाओ, उसके बाद आप लोगों का रवैया अपने साथ देखो कि वो ही रहता है या चेंज हो जाता है। इस बात से सब अग्री करते हैं, यस और नो? इंसान को पहचानने के लिए आपको वीक स्टेट में जाना पड़ता है कुदरती तौर पे, या तो कुदरत आपको ले जाती है। इसलिए बहुत सारे इसके ऊपर विजडम्स हैं कि भाई हमने लोगों की शक्ल तब देखी या पहचाना तब जब मैं वीक हो गया, ठीक है? एक पहचानने के लिए इंसान वीक होता है तो पहचानता है, एक इंसान जब स्ट्रांग भी होता है तो भी पहचानता है। वो कैसे, कौन बताएगा? गुलशन लाल जी, कभी कभार हम पोजीशन, स्ट्रांग पोजीशन में भी होते हैं, जब हमारी चल रही होती है, लोग हमारी सुन रहे होते हैं, तब हम अपने आप को कैसे पहचानते हैं? अपने आप को पहचान के सामने वाले को, अपने आप को। जब अपन स्ट्रांग होते हैं तब भी अपन सामने वाले को, जब अपन टूटते हैं तभी जब मुझे को लगता है अपन को पता चलता है कि ये आदमी अपने काम आया कि नहीं आया, तभी वो तो दूसरे को पहचाना, अपने आप को कैसे पहचाना? अपने आप को ऐसा पहचानते हैं कि अपन अपने आप को फेथ हो जाता है कि हाँ मेरे में सब दुख से मेरे में ये पावर ताकत है है, निकलने का, मेरे में ये सब करने की ताकत ताकत है, मेरे में ये करने का, गुड, लेट्स क्लैप फॉर इट। तो बहुत दफा लाइफ में आपने ऐसी चीजें करी होंगी, चाहे बिजनेस में, चाहे स्टडीज में, रिलेशनशिप में, जो एक टाइम आपको लगता था अरे मैं ड्राइविंग कैसे करूंगी, आज आप फोन पे बात भी कर रहे हो, म्यूजिक भी सुन रहे हो, ड्राइव भी कर रहे हो। छोटी सी एग्जाम्पल है, यस और नो? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, राइट? बहुत सारे लोग यूएस आए तो फोबिया था 15 20 25 साल पहले, 5 साल पहले, 1 साल पहले, जब भी आए, आज नहीं है। यू टॉक टू पीपल, यू गो फ्रीली, आपको जीपीएस की जरूरत भी नहीं पड़ती, बहुत सारे रास्ते भी आपको याद है, यस और नो? राइट? बहुत सारे लोगों को डर लगता था, ड्राइविंग टेस्ट देने गए थे, लाइसेंस देने बनाने गए थे, आज याद भी नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अपने आप को जब स्ट्रांग थे तो भी पहचाना ना। स्ट्रांग कब होता है आदमी? जब कुछ कर जाता है तो स्ट्रांग कहलाता है, जब कुछ नहीं कर सकता तो वीक कहलाता है। ऐसा ही है, रेज योर हैंड, कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? आप अपने आप को कब पहचानते हो कि यार मैं कर गया, आई वॉज द विनर, मैं खड़ा रहा, आई वॉज परसिस्टेंट, बहुत मुश्किलें आई, बिजनेस डाउन हो गया, स्टडीज खत्म हो गई, जॉब से फारिग हो गया, हो गई, रिलेशनशिप खत्म हो गया, बट मैं खड़ा रहा, मैं खड़ी रही, यस और नो? तो आपने बोला थैंक यू गॉड, तूने मुझे स्ट्रांग बनाया, लेकिन आप नहीं खड़े रहे, आप हेल्पलेस, ऐसी बीमारी आ गई, कोई पास अवे हो गया, कोविड आ गया, आपके लव्ड वन चले गए, आप हेल्पलेस हो गए, आप कुछ नहीं कर पाए, राइट? तो बहुत दफा कुदरत भी आपको हेल्पलेस करती है, लोग भी आपको हेल्पलेस करते हैं, आप खुद भी हेल्पलेस हो जाते हो, कभी कभार कुदरत साथ दे रही होती है बट आप गिव अप कर जाते हो, यस और नो? तो हमेशा आप हेल्पलेस नहीं होते हो, कभी कभार इसमें आपका हाथ होता है, तो कभी कभार इसमें आपका हाथ। अच्छा, अब मैं सेरेमन 3 पे ले जाता हूँ, याद करो, हमने कहा था अपने आप को चेक कर, इस वक्त तुम्हारी पोजीशन क्या है, क्या तुम फॉरगिव करने की पोजीशन में हो भी कि नहीं हो? अगर तो तुम वीक हो तो तुम्हारा सवाल ही नहीं बनता फॉरगिव करने का, तो अपने आप को झूठ बोलना छोड़ो कि मैंने फॉरगिव कर दिया, तुम अपने से बड़े को पहुंच ही नहीं पाओगे, तो फॉरगिव की तो बात ही नहीं है, येस और नो? तो जब आप मान लेते हो ना कि मैं वीक हूँ, तो आधा टेंशन खत्म हो गया, कि दुनिया को प्रूफ करना छोड़ो, मैंने मान लिया मैं वीक हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, आई वॉक आउट, राइट? लेकिन जब तुम स्ट्रांग हो तब माफ करके दिखाओ, क्योंकि तब तो तुम्हारा पावर है ना कि तुम नीचे अपने किसी को भी मसल आउट कर सकते हो, यस और नो? कितने लोग इस बात से अग्री करते? तो अब यही लॉजिक खुदा पे लगा दो, खुदा को हम जानते हैं या पहचानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वापिस से कह रहा हूँ, पहली वाली जो लॉजिक अभी तक हमने पढ़ी, सीखी, इमाम अली के कॉल से हमने समझी,
खुदा पे कैसे इम्प्लीमेंट होगा? फरजाना हंस रही है, लेट्स अनम्यूट हर। हो गई, एंड देयर इज अ गॉड हु केम टू हेल्प, क्योंकि ये काम किसी एक्स्ट्रा फोर्स के बगैर पॉसिबल, दुनियावी तौर पे पॉसिबल नहीं था। किसी की हेल्थ खराब हो गई थी फैमिली में, वो रिकवर नहीं हो रही थी, खत्म हो गई थी बात, सडनली डिवाइन पावर केम इन एंड हेल्प, और वो आज हमारे साथ है, लव्ड वन। या हो सकता है वो लव्ड वन चले गया, लेकिन उस वक्त भी खुदा की रहमत थी। क्यों? क्योंकि वो सर्वाइव कर जाता तो वो बहुत बुरी सिचुएशन में होता, मे बी पैरालिसिस हो जाता, मे बी कोमा में होता, मे बी उसकी बॉडी ले डैमेज बढ़ते जाते हैं और आपको उसकी सिचुएशन देखना और मुश्किल है। तो खुदा को पता है हमारा फॉर्मूला क्या था, 71+M, याद है क्या मतलब था? 71 मदर से ज्यादा खुदा कहता है कि मैं अपने बंदे को चाहता हूँ, तो 71 माँ कितना चाह सकती है, राइट? उसको सोच लेना। और कितने लोग कहते हैं कि खुदा को जाना के पहचाना के अभी भी पहचानना चल रहा है, परवीन लखानी। वॉलमार्ट में मुलाकात हुई, सैम्स क्लब में हुई, टारगेट में हुई, किधर हुई? सर यू नीड टू अनम्यूट योर सेल्फ। ओके, हु एल्स वांट्स टू? नसीम, लास्ट कॉल लेते हैं, उसके बाद मूव करते हैं। जाना पहचाना, और पहचाना तो कैसे पहचाना? अरे सॉरी, जस्ट मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो एक बात क्लियर है कि वो लोग जो खुदा को पहचानते हैं वो अक्सर मुश्किल में फंसे कुदरती तौर पे, जिसके बाद खुदा से करीब हो गया। यस और नो? हमने बहुत सारी पर्सनालिटीज पढ़ी और जितनी बड़ी पर्सनालिटी आई उसके ऊपर उतनी मुश्किल आई। तो क्या मतलब है कि एक आदमी जो खुदा से, खुदा के लिए इतना काम करता है, खुदा उसको मुश्किल नहीं देता? लुक एट द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, मुश्किल आती? ओ माई गॉड, राइट? सो क्यों? क्योंकि पहचान रहा था, राइट? वो प्रॉफिट की एग्जाम्पल लो दोबारा से, जो जाके जंगल में छुप गए थे बुशेस के पीछे, और खुदा ने कहा तेरे को मैंने वॉरियर पैदा किया है, तू क्या जाके गोट की तरह से छुप रहा है? तो खुदा बोला नहीं, खुदा डर लगता है, राइट? उस वक्त तो पता भी नहीं था प्रॉफिट है। तो खुदा ने ऐसा फंसा दिया कि चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया, और खुदा ने बोला तेरे को ताकत दी आज तो बुशेस में नहीं है, जा मुकाबला कर। तो अपने बंदे को फंसा दिया, लेकिन जब वो लड़ा तो 100 बंदों से लड़ लिया, और पता चला यार मैं तो स्ट्रेंथ हूँ, ये मेरे आर्म्स, ये मेरे लेग्स, ये मेरी फाइटर बॉडी, अपने आप को रिवील किया। तो मुश्किल में डाला तो बाहर आया ना, वीट जब पिसती है तो रोटी बनती है ना, सोना जब गरम लोहे पे लगता है तो सोना बनता है ना, डायमंड जब पानी में 5,000 10,000 फीट नीचे रहता है तब जाके डायमंड बल के निकलता है ना, कि ड्रिल मशीन के ऊपर लगता है, काट देता है दीवार को अच्छी से अच्छी। सो कोई भी चीज मुश्किल के बगैर, पहचान के बगैर अपने पीक तक नहीं पहुंचती, चाहे वो लिविंग बींग हो चाहे वो नॉन लिविंग बींग हो। ये बात क्लियर है? ये नजर आती है लाइफ में, नेचर में, ठीक है? तो एक चीज तो समझ आएगी कि लाइफ में देर इज नो शॉर्टकट, क्योंकि अगर शॉर्टकट होता तो इमाम नहीं बोलता वर्क हार्ड 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 वर्क, लर्न 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 11 दफा लर्न, बोलता जाओ पार्टी करो तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं बोलता स्ट्रगल इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, काम करना ही है, वरना बोलता जाओ गोल्डन स्पून है, बाकियों के लिए काम है, तुम्हारे लिए बैंक में खुद पैसे पहुंच जाएंगे, क्रिप्टो कॉइन्स पहुंच जाएंगे, राइट? बोला ऐसा? नहीं बोला, राइट? तो दुनिया की सारी फैसिलिटी दे दी लेकिन काम करने से मना नहीं किया, बोला और भी काम कर। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? शायद 1990 होता ना तो सीनियर के लिए ऐसा कोई सेशन नहीं हो रहा होता, क्योंकि सीनियर अमूमन चले जाया करते थे, इतना लंबा नहीं जीते थे। आज ज्यादा जी रहे हैं, आज 60 का सीनियर डांडिया भी खेल रहा है, रासड़ा भी खेल रहा है, जकूजी भी कर रहा है, कैनकून भी घूमने जा रहा है, बहुत कुछ कर रहा है माशाल्लाह। ज्यादा हिम्मत होती है तो हाइकिंग भी कर लेता है किसी ना किसी तरह, यस और नो? और एक 40 साल का आदमी सीनियर बन गया है मेंटली, वो कुछ भी नहीं करता, कहता है आई एम टू ओल्ड टू इवन रन अ मैराथन, राइट? सो दैट्स एज इज जस्ट द नंबर, राइट? तो आज जो है वो हमारा स्पिरिचुअल लीडर भी हमें वर्क हार्ड के लिए बोलता है, और आपने ये देख लिया कि जो लोग अर्ली रिटायरमेंट या जो फॉल्स अमेरिकन ड्रीम है, फॉल्स अमेरिकन ड्रीम क्या है कि वर्क टिल 40 एंड देन गेट अर्ली रिटायर एंड देन एंजॉय। हमने देख लिया एक नहीं बहुत सारी बुक से कि जब आप बहुत ज्यादा रेस्ट के बगैर भी काम करते हो ना तो आप 40 में दुनिया से चले जाते हो,
राइट राइट, दुनिया एंजॉय करेगी आपके पैसे से, बट उस ग्रुप में आप नहीं होगे क्योंकि आप जा चुके होगे, आपका बुलावा आ चुका होगा, राइट? तो इसलिए बॉडी को भी रेस्ट देना जरूरी है, बॉडी भी एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? हम दुआ के तीसरे पार्ट में पढ़ते हैं, मानो तो मैं ख्यानत ना करो, सो योर बॉडी इज ऑल्सो अमानत बाय गॉड, इट्स मेंशन इन कुरान, राइट? योर सोल इज ऑल्सो अमानत ऑफ गॉड. जब आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं करते, वो हर जगह से बाहर निकल रही है, फैट बाहर निकल रहा है, सो दिस मीन्स यू आर गेटिंग आउट ऑफ शेप. खुदा ने आपको बहुत परफेक्ट बनाया था. नाउ व्हेन यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, आप सब कुछ डाल रहे हो शुगर कॉन्टेंट, तो आप खुदा की बॉडी को वेस्ट कर रहे हो, राइट? तो आप मिस यूज किसी भी चीज को करोगे तो कल वो आपको मिस यूज करेगी, फिर जाके इंजेक्शन लगेगी, ट्रांसकुलाइज लगेंगे, बहुत सारे मसले और होंगे खुदा ना खास्ता. तो एक बात समझ आई हमें कि पहचानना कि खुदा वाकई सबसे ज्यादा ताकतवर है, और मुंह से रोज कुल्लू अल्लाहुवत बोलना कि खुदा बड़ा है, ताकतवर है, बहुत फर्क है, राइट? हम रोज 3 दफा बोलते हैं दिन में, अल्लाह अकबर, कुल्लू अल्लाहुवत, सब बोलते हैं, रेज योर हैंड यस और नो, तो हम जानते हैं कि क्या बोलना है, बट क्या हम बोलते हुए पहचानते भी हैं कि खुदा बड़ा है? क्योंकि अगर हम पहचानते होते ना, तो सारे वो बहुत सारे मसले नहीं होते जो आज हमारे साथ है. लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट. क्या मतलब है मेरी बात का यहाँ पे नरगिस? मुंह से बोलना अल्लाह बड़ा है, अल्लाह सबसे पावरफुल है, वो कुछ भी बदल सकता है, और अपनी जिंदगी में फिजिकली इस बात को मानने से क्या चेंज हो जाता है लाइफ में आपकी? वर्क हार्ड, सुपर हार्ड, यस और नो? कोई सक्सेसफुल आदमी ऐसा आपने देखा है जो रिलैक्स कर रहा है, चिल कर रहा है, बोल रहे मुझे काम की जरूरत? हाँ, वो अमीर हो सकता है, हो सकता है 100 गैस स्टेशन हो, 100 में गेम मशीन चल रही हो, तो काम करने की जरूरत ही नहीं है, बट क्या आप उसको सक्सेसफुल बोलोगे? अगेन, दैट्स एन आर्ट, दैट्स योर डेफिनेशन. हो सकता है आप बोलो, हो सकता है ना बोलो. नॉर्मली सक्सेस होती है कि दुनिया में कोई इम्पैक्ट करके जाए और अपनी और दूसरों की क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज करके जाए. ये बुक जो हमने सक्सेस पढ़ी थी उसमें थी. सब इस बात से अग्री करते हैं, येस और नो? उसने कहा लोगों की बहुत डेफिनेशन है, लेकिन जो सबसे ज्यादा दुनिया वाले मानते हैं ना, वो ये मानते हैं. और क्या होता है, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छा संभालते हैं, सबका टेक केयर करते हैं, उनको बहुत अच्छे से आता है कि चीजों को समझना, इमोशनल क्वेस्ट या इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी हमने बात की. आजकल दुनिया IQ के पीछे नहीं है, IQ तो ChatGPT भी सिखाता है, EQ के पीछे. डू यू ऑल अग्री विद दैट, यस और नो? तो ये बहुत सारी कुछ कम एग्जाम्पल्स थी. अब खुदा पे भरोसा रखना कि खुदा एक है, सबसे पावरफुल है, ये हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज कैसे फीड करता है, लेट्स टॉक अबाउट इट. समझो कि हम नॉर्मल इंसान हैं जो 3 दफा 5 दफा प्रेयर करता है, जो भी मजहब में है, और बोलता है खुदा एक है, खुदा एक है, खुदा एक है, खुदा पावरफुल है, पावरफुल है, पावरफुल है, बाहर निकला अपने काम काज पे लग गया, कुछ नहीं पता क्या बोला, बस फॉर्मेलिटी के लिए राइट्स एंड सेरेमनी पूरी कर दी, वर्सेस वो जिसने ये बोला कि कुल अल्लाह के खुदा एक है, तो वो सोच रहा था कि यार वो एक है तो इसका मतलब कोई और नहीं है, उसका मतलब है उसके जैसा पावरफुल कोई नहीं है, तो उसका मतलब है आज जिस सिचुएशन में मैं हूँ, चाहे मेरी हेल्थ की हो, वेल्थ की हो, रिलेशनशिप की हो, मेरी लाइफ में होपलेसनेस हो, मुझे बहुत सालों से कुछ चाहिए नहीं मिल रहा हो, इसका मतलब है वो एक है जो मसला सॉल्व कर सकता है, करेक्ट? कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? तो उस वो फिर वो दूसरा सवाल करेगा, उसके अंदर से सवाल उठेगा, तो इसका मतलब है कि मैं बहुत सारे लोग ढूंढ रहा हूँ सक्सेसफुल, जो शायद मुझे सक्सेसफुल बना दें, इसका मतलब है मुझे उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा तो वो है, उसके पीछे भागूं, करेक्ट? दूसरी सीढ़ी बनी, तीसरी सीढ़ी बनेगी कि आप लोगों के पीछे भागना छोड़ दोगे. दुनिया की साइकोलॉजी है, जब आप लोगों के पीछे भागना छोड़ देते हो तो लोग आपके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, जब आप पैसे के पीछे भागना शुरू हो जाते हो तो पैसा आपसे भागना शुरू हो जाता है, जब आप पैसे से दूर भागना शुरू हो जाओगे, कभी आप देखोगे आपको बहुत जरूरत है एक चीज की, आप भाग रहे हो, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, एक टाइम आपने गिव अप किया, बोला चाहिए ही नहीं, छोड़ दो, अब वो चीज आपके पीछे भाग रही है. कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, यस और नो? इसके पीछे पूरी साइंस है, पूरी मेटाफिजिक्स है. तो जब आप खुदा के पीछे भागना शुरू कर देते हो, तो आप दुनियावी चीजों के पीछे नहीं भागते, और होता क्या है कि
मेटाफिजिक्स ये कहती है कि वो चीज आपके पीछे भागना शुरू हो जाती है, और दीन ये कहता है कि जब आप खुदा को प्रायोरिटी बनाते हो तो खुदा बाकी चीज को बोलता है जा, ये मेरा बंदा है, इसको सब कुछ दे दे। यस और नो, कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? अब एक चीज देखना, जो सक्सेसफुल आदमी होगा ना वो चैरिटी बहुत करता होगा, जो सक्सेसफुल आदमी होगा ना, भले वो प्रेयर हॉल में जाता हो नहीं जाता हो, आपने शायद उसको नहीं देखा हो, शायद वो जाता हो, अलग अलग तरह के लोग हैं, बट वो एथिकल बहुत होगा, वो लोगों का पैसा नहीं खाएगा, वो अपना नुकसान ले लेगा, दूसरे को फायदा देगा। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? मैं 1% 2% की बात नहीं कर रहा, आपको ऐसे भी लोग देखे होंगे जो सबका पैसा खा जाते हैं और आपकी नजर में सक्सेसफुल है, ठीक है, टेंशन रही है, आप भी इधर हो वो भी इधर, आप डाउनफॉल भी देखोगे, राइट, इसी दुनिया में होगा। लेकिन जेन्यून जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिनका जनरेशन से फैमिली का पैसा चल रहा है, वो चैरिटी है, वो शेयर भी करते हैं, वो किसी का पैसा खाते भी नहीं है, और वो मेक श्योर करते हैं कि लोगों के राइट्स पूरे हो जाए। क्यों? क्योंकि वो अंदर किसी ना किसी तौर से ऊपर वाले पे भरोसा रखते हैं और ऊपर वाले की कोई भी थिन लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट? कितने लोग अग्री करते हैं, येस और नो? तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये सब शुरू हुआ बोलने से नहीं, मानने से कि खुदा सबसे बड़ा है। तो आज मानना शुरू कर दो, ठीक है, कि खुदा बड़ा है, और उस बड़े होने पे 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए चाय के कप पे, कॉफी के कप पे थिंक अबाउट इट इन योर पैटियो बैठे हुए, कि यार बड़े होने का मतलब आज मेरे जिंदगी में क्या मसले, लिख लो 1 2 3 4 5 उसके आगे एक एरो बना दो, लिख दो गॉड, उसका मतलब है वो सॉल्व कर देगा। आज मुझे नहीं पता लेकिन उसको पता है, राइट? आई वॉज रीडिंग अप द स्टोरी आर्ट ऑफ वॉर, किसी ने नाम सुना है बुक का? आर्ट ऑफ वॉर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। आर्ट ऑफ वॉर में एक कहानी शेयर की उसने कि एक इंसान सोल्जर लड़ रहा था और बहुत स्ट्रांग सोल्जर था, उसको लाइफ में बहुत कम लोगों ने हराया था, 90% ऑफ द टाइम वो जीतता था। तो जब वो हार जाता था ना तो उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा होता था, मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था अपनी हार, क्योंकि वो 100 में से 90 दफा जीता है, तो जब उसको कोई हराता था ना तो वो 2 3 साल तक जंग लड़ ही नहीं सकता था, इमोशनली वो इतना डिप्रेस हो जाता था। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो उसको किसी ने बोला कि तेरी डिप्रेशन के पीछे तू दुनिया का सबसे बड़ा वॉरियर है, बट हर वॉरियर के ऊपर भी एक वॉरियर होता है, हर फाते के ऊपर भी एक फाते होता है, तुझे एक बात समझनी पड़ेगी कि सबसे बड़ा फाते कौन है, सबसे बड़ा वॉरियर कौन है। उसने बोला कौन है? उसने बोला खुदा है। उसने बोला मैं मजहब नहीं मानता। उसने बोला तू नहीं मान, तू उसको फोर्स मान, तू उसको नाम दे दे, तू उसको गीता बोल, गॉड बोल, कॉल इट एनीथिंग, कॉल हिम द फोर्स, बट तू जब मान लेगा कि ऐसी कोई फोर्स एग्जिस्ट करती है, तो अगली दफा जब तू हारेगा ना तो बोलेगा कोई बात नहीं यार, सबसे बड़ा वॉरियर भी तो है दुनिया में, तो मैं भी वॉरियर हूँ, वो भी वॉरियर है, लेकिन मैं उस वॉरियर से मदद मांग लूंगा ना तो मैं, मेरा ईगो खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब मैं हारूंगा तो बोलूंगा ठीक है इसके ऊपर भी तो कोई बड़ा वॉरियर होगा, लेकिन सबसे बड़े वॉरियर को तो मैं जानता हूँ। तो व्हेन यू नो समवन इन लाइफ, आपका काम आसान हो जाता है, फिजिकली जिंदगी में आसान हो जाता है। अशरफ फतानी को जाना है, अपना कुछ काम करवाना है, मतलब मैं काउंसिल प्रेसिडेंट को जानती हूँ, काम हो गया, जबरदस्त नाम ही ले लिया, काम हो गया, राइट? ओ मैं मेयर को जानती हूँ, काम हो गया, राइट? ओ मैं कॉप्स को जानती हूँ, फायर मार्शल के हेड को जानती हूँ, काम हो गया, राइट? ऐसे ऐसे कंट्री में काम हो गया जहाँ पे ऑलरेडी काम सीधा साधा है, राइट? तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो किसी को जानते हो तो बहुत सारे काम हो गए, राइट? तो सोचो अगर आप सबसे ऊपर वाले को जानते हो तो आपका काम नहीं होगा क्या जिंदगी में? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, राइट? तो इमाम अली ये कहते हैं कि जब आप खुदा के ऊपर मुंह से नहीं दिल से ईमान रखते हो ना तो आप जीतना शुरू हो जाते हो जिंदगी में, और आपकी लाइफ में ट्रांसेंडेंस पैदा हो जाती है, आपकी लाइफ में एक ऐसी नेवर एंडिंग विक्ट्री पैदा हो जाती है कि जिसमें आप जीतते भी हो तो बोलते हो यार खुदा की मर्जी थी, जिता दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप हारते भी हो तो बोलते हो इसमें भी खुदा की मर्जी थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग मेरे साथ है इस बात पे? थम्स अप करो, रेज योर हैंड, गिव योरसेल्फ पैट ऑन द बैक। आप सब सीनियर हो, आप सबने ऊपर अप्स एंड डाउन देखे हैं लाइफ के, तो शायद ये चीज आप लोग के लिए नहीं थी, लेकिन ये चीज हम सबके लिए नहीं थी, मुंह से खुदा को बड़ा बोलना और जिंदगी में रोज फील करना कि खुदा बड़ा है,
बहुत सारी चीजों का जो सोल्यूशन नहीं आ रहा हमारे पास नहीं है, हम कमजोर हैं, हमारे आसपास वालों के पास नहीं है, वो भी कमजोर हैं, लेकिन जो पावरफुल है उसके पास सोल्यूशन है। और जिस दिन वो फॉर्म में आ गया ना, तो ऐसा सोल्यूशन देगा कि आप सोचते रह जाओगे सोल्यूशन आया कहाँ से। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी, रेज योर हैंड्स, यस और नो? सो दैट्स व्हाई वी से सुभानअल्लाह। ठीक है, सो दिस वाज सेरेमन 7 व्हिच इज इन वन लाइन, गलत हो जाएगा हम बोले अगर वन लाइन में समझा दें, बट अगर कोशिश करें तो वन लाइन का मतलब है वननेस ऑफ गॉड पे बहुत स्ट्रॉन्ग ईमान, स्ट्रॉन्ग फेथ रखना कि यार ये सब चीज का सोल्यूशन है। बोलना नहीं, 100 दफा, 101 दफा, 11 दफा बोलने से उसको कोई फर्क शायद नहीं था मेरे ख्याल से, क्योंकि एंजल्स का तो काम ही है ना, बर्ड्स भी यही करते हैं, राइट? हमें जो इंसान का सबसे बड़ा बनाया तो दिमाग भी तो दिया सबसे बड़ा, तो उसको भरोसा करना जरूरी है। जब भरोसा करेंगे ना तो मिरेकल होना शुरू हो जाएंगे लाइफ में, इतना पावर आ जाएगा आप में, बोलोगे यार ये पावर आया कहाँ से, क्योंकि वो आपका पावर नहीं है, राइट? ओके, लेट्स गो टू सेरेमन नंबर 8। इन दिस सेरेमन इमाम अली एड्रेसेस पीपल ऑफ बसरा आफ्टर द बैटल ऑफ जमाल which took place against Aisha, Talha and Zubair. The battle was fought over political leadership. ये political leadership की बात करें, जब इमाम को लोग declaration में नहीं आने दे रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, और इमाम कह रहे हैं कि यार इमाम बहुत टाइम तक तो प्रॉफिट को सही से दफनाने के लिए उनकी सारी चीज़ों को, कुरान को कंपाइलेशन में लगे रहे, तो इमाम ने उस चीज़ को तरजीह दी, दुनियावी तौर पे पॉलिटिकली खलीफा बनने के चक्कर में नहीं रहे। थर्ड खलीफा इमाम अली क्रिटिसाइजेस दोज हु फॉट्स अगेंस्ट हिम, कंटेमिनिटी, डिसलॉयल्टी, एम्फसाइजिंग जस्टिस, सोरो ओवर द लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू बैटल एंड कॉल फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, एक बात बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने बोला कि जब ये सब मेरे साथ हुआ तो एक चीज का मुझे मौका मिला। अब आप लोग सोचो इस बात पे एंड लेट्स टॉक के इसका क्या मतलब है। यहाँ कहते हैं कि जब लाइफ में तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा होता है ना, तो तुम अक्सर सेल्फ, मैं इसको रब कर दूं, आर यू ऑल गुड? सेरेमन 8 इज अबाउट कॉल फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड रिपेंटेंस। रिपेंटेंस, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट। मलिक हाकिम, कुछ नहीं हो रहा है तो सूफी ने बोला, ऊपर वाले का पैगंबर था, बंदा था, उसने बोला कि काम कर जाके पत्थर ले आ, तो उसने पत्थर ले आया। सो पत्थर पे उसने कुलू अल्लाह हुआ सूरह पढ़ ली और पक पढ़ के फूका, और वो दैट स्टोन टर्न इनटू द गोल्ड। तो वो आदमी घर गया, भागा भागा, उसने बोला जा बेटी की शादी करा ले, तू बहुत गरीब है, तूने खुदा से मांगा, मैंने खुदा का बंदा हूँ तेरे लिए कोशिश की, हो गया। वो घर गया तो उसने बोला बेटी की शादी तो छोड़ो, मुझे सोना बनाने का तरीका आ गया। सो वो बैठ गया, बहुत सारे पत्थर बड़े बड़े लेकर आया, पहले तो बोलता है यार इतना छोटा पत्थर क्यों दिया, बड़ा देता पता होता तो जो है वो फिर कुल्लू अल्लाह पढ़ता रहा, पूरी रात भर पढ़ता रहा, फिर जाके वजू करता रहा, नहाता रहा, बोला यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दूसरे दिन आया शेख पे, बोलता है शेख तुम लायर हो, तुम झूठे हो। बोला क्या हुआ? तो उसने बोला तुमने तो सोना बनाने का गलत तरीका बताया। बोलता है मैंने कब तरीका सिखाया? बोलता है तुमने तो कुल अल्लाह पढ़ा और वो सोने का बन गया। उसने बोला ये शेख ने कुल अल्लाह पढ़ा था, ये शेख का रिलेशन था खुदा से, तूने जो कुल अल्लाह पढ़ा वो दूसरे रिलेशन के लिए था। तो ये जो बात बोली ना आपने, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कि 100 दफा बोलने से काम नहीं हुआ बट एक दफा दिल से भरोसा करने से काम हो गया। तो हमारा मसला यही होता है, ये जो बुक्स बनी है ना, द सीक्रेट या पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, उन सब में एक ही बात आती है कि आपकी आपका पावर कितना है, आपका ईमान कितना है कोई चीज पे, कि मैं कर लूंगा या ऊपर वाला करा देगा या मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। आप आर्ट ऑफ वॉर पढ़ोगे ना या बैटल्स हमारी पढ़ोगे लोगों की, तो आप देखोगे 13 लोग जंगे बदर में 1 लाख लोगों से लड़े थे, राइट? अब 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि आप उस 313 में शामिल हो, ठीक है? उस जमाने में कोई गन्स नहीं होती थी, तलवार होती थी, एक आदमी से लड़ता था, राइट? और दूसरे को हराने के लिए जा तो वो गिर जाता था, वह तो दूसरा,
अब इधर जो लोग थे ना, ये सारे वॉरियर्स थे, ठीक है, और इधर 313 में बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, ऑर्फन्स भी थे, यतीम बच्चे भी थे, तो वो लड़े थे इस्लाम के लिए, जंगे बदर, याद है, कुरान में है, राइट। तो आपको क्या लगता है ये लोग क्यों लड़े? खुदा ने डायरेक्शन दी थी कि जाके लड़ो, मैं संभालने के लिए खड़ा हूँ। आप और मैं समझो उस बैटल में होते हैं, वेरी ऑनेस्टली हाथ उठाना, अपने आप को चेक करने का मौका है, बहुत ऑनेस्टली, क्या हम लड़ते? खुदा बोल ले जाओ, मैं खड़ा हूँ। आपको पता है भाई, सामने तो टाइकांडो मास्टर, ब्लैक बेल्ट मास्टर, ये 6 फुट 5 इंच बॉडी शॉडी डोले शोले बने हुए हैं, ये गन्स लोड की हुई है, मेरे बस की बात नहीं है। बहुत ऑनेस्टी के साथ खुदा बोल रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ, जाओ। आप बोलो नहीं भाई, कौन मैं कौन वो? कितने लोग ऑनेस्टी से रेज करो जाके खड़े भी हो गए मैदान के अंदर, यस और नो? अभी इसी उम्र में ले लो, राइट, पॉसिबल है? नहीं है। हमारा रिजल्ट आ गया सामने 2 मिनट में, राइट, शायद मुश्किल से कोई हाथ उठा ले, लेकिन मुश्किल है, राइट। वो 313 खड़े हो गए जाके, बड़ी बात है, यस और नो? हम सबको पता है ये वाक्य, लेकिन आज हम इसकी साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं। लेट्स क्लैप फॉर देम। खुदा ने उनको जिता दिया, हम सबको पता है, जंगे बदर, वी वर द विनर्स। खुदा ने कुरान में भी बोला, बहुत दफा भी बोलता है, 313 मोमिन थे, राइट। तो एक एक बच्चे को, एक एक बूढ़े को, तो मकसद क्या था कि हमेशा जब लाइफ में स्ट्रॉन्ग फेथ होता है ना, तो सक्सेस मिल जाता है। आज की मटेरियल लाइफ में हमारी विश लिस्ट में से शायद 80% विशेज मटेरियल होंगी। हमको बिजनेसेस चाहिए, हमको बहुत सारा कैश फ्लोस चाहिए, हमको नाम चाहिए, फेम चाहिए, ऑनेस्टली, यस और नो? है ना, इसलिए तो हम लोग बैठे हैं। मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर हमको पता ही नहीं हमको क्या चाहिए, हम बोले नहीं हमको तो नहीं चाहिए, तो भी हम लाई कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, राइट। तो अगर वो 80-90% मटीरियलाइजेशन है लाइफ का, तो वो भी मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग फिथ से। कॉर्पोरेट अमेरिका की हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है ना, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, या पॉजिटिव थिंकिंग बाय नेपोलियन। वो क्या बोलता था परवीन लखानी, बेसिक क्या बोलता था? कोई भी आदमी आ रहे हैं, या दे आर नॉट एबल टू कोप अप, या बच्चे आजकल ऑटिस्टिक भी बॉर्न हो रहे हैं, या बच्चे सोशल नहीं हो रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे जेके नहीं जा रहे हैं, आप फोर्स कर रहे हो फिर भी नहीं जा रहे हैं, देर कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स दैट कुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपका मकसद ये है कि आप उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फेथ डाल दो। स्ट्रॉन्ग फेथ का मतलब ये नहीं कि तस्बीह लेके बैठा दो, स्ट्रॉन्ग फेथ का मतलब ये है कि उसका ऊपर वाले पे किसी भी तरह, टीच देम टू मेक गॉड हिज फ्रेंड, टीच देम टू मेक गॉड हिज गाइडेंस, टीच देम टू बी अ बिलीवर इन गॉड। वो सिर्फ स्टडीज में अच्छा नहीं हो जाएगा, वो फिजिकल फिटनेस में अच्छा हो जाएगा, कल को वो जॉब पे जाएगा, ही वुड बी वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स। उसकी जॉब छूट भी गई आज की फास्ट रिसेशन एनवायरमेंट में, वो बिजनेस खड़ा कर लेगा। उसका बिजनेस डूब भी गया, वो 4 दफा बिजनेस खड़ा करेगा, 5वीं दफा रॉक सॉलिड स्टार बन जाएगा, कंपनी पे कंपनी बनाएगा, बेचेगा। ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि 4 साल की, 6 साल की, 15 साल की उम्र में उसकी दादी ने, आप लोगों ने उसके अंदर भरोसा डाल दिया खुदा के लिए, कि जेके जाना इज इम्पोर्टेंट, बट सबसे इम्पोर्टेंट इज टू हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव इन द टॉप फोर्स। और सबसे दुनिया की बड़ी फोर्स क्या है? गॉड। उससे ऐसे ही बात करेगा तो भी तेरे को सुन रहा है, राइट। तो आपको क्या लगता है कि जो आप फोर्स करते हो, बहुत सारे सीनियर्स फोर्स करते हैं कि आज के बच्चे सुनते नहीं है, जाते नहीं है, हमने लास्ट टाइम एक दफा बात की थी जनरेशन एक्स, वाई और जी की, कितने लोगों को याद है, रेज योर हैंड, ठीक है, आप सब एक्स हो, बीच वाले वाई हैं, आजकल 13 साल के नीचे आ रहे हैं वो जी हैं। एक्स वाले लोग स्टोरीज सुन के खुश होते थे, आप लोगों को मैं स्टोरी सुनाता ना तो बहुत खुश होते, हाँ ऐसा हुआ, अच्छा वैसा हुआ, अच्छा वैसा हुआ, राइट। वाई वाले जो है ना, प्रैक्टिकल वाले, स्टोरीज कम सुनाओ, प्रैक्टिकल कराओ, इंटरएक्टिविटी कराओ, राइट, रोल प्लेस कराओ। जी वाले दोनों में से कुछ भी नहीं है, वो लॉजिक वाले हैं, वो बोलेंगे बताओ खुदा पे भरोसा रखने से कितने पैसे बन जाएंगे डॉलर में बताओ। तो बोले तुम्हारे को कितने चाहिए? बोले 1 मिलियन चाहिए। बोले दे सकता है? बोले डन, कल से याद कर रहा हूँ, ठीक है। बोले कि बिटकॉइन लूंगा तो आज इतने का है, कल कितने का बन जाएगा? बोले 63 का है, 68.4 है। बोले कितना परसेंट प्रॉफिट? 31%। बोले जबरदस्त, डन।
इसको मैं सीख रहा हूँ, राइट। तुम बोलो सीख लो सीख लो सीख लो, इन्वेस्टिंग सीख लो, नहीं चले जाओ जेके, चले जाओ चले जाओ। 3 दफा, चौथी दफा बोलोगे ना आपसे बात करना ही छोड़ देगा, बोलेगा यार ये बोर करती है, पकाती है दादी, शी इज वेरी बोर्ड, यस और नो, राइट। तो आप देखो, इमाम जानता है, इमाम भी फोर्स नहीं करता आज की जनरेशन को, वो इस तरह की बड़ी बड़ी स्टोरीज नहीं सुनाता जैसे आप लोग सुनते हैं, बड़े हम लोग सब सुनते हैं बड़े हुए। वो उसको लॉजिकली समझा रहा है, जमात खाने में सोशल हॉल्स भी बना रहा है, सब कर रहा है, बेसबॉल मैचेस भी दिखा रहा है, एक्टिविटीज भी कर रहा है, डर्ट वर्क भी हो रहा है, सब हो रहा है, राइट। सो उसको एंजॉय करा रहा है, फूड मोटिव्स के तहत। तो आपको, तो इमाम अली ये कहते हैं कि जिंदगी में ना सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। सेल्फ रिफ्लेक्शन जो हम बात कर रहे थे उसका मतलब ये कि आप चेक करो कि आप जो काम कर रहे हो उस पर आपका भरोसा है कि नहीं है। तो उसका छोटा सा एग्जाम्पल है कि आज आप जॉब कर रहे हो या आज आप बिजनेस कर रहे हो, तो वो चीज आपको पसंद है? तो एक स्टैट्स आपको दूंगा, आपको हैरत होगी जान के, मैं एग्जैक्ट नंबर देता हूँ, रुक जाओ। तो मैंने क्वेश्चन किया चैट जीपीटी से कि हाउ मेनी अमेरिकन हेट देयर वर्क, कितने अमेरिकन, यूएस इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यस और नो? तो बहुत सारों को तो चांस मिलता ही नहीं, बट अमेरिका की बात करते हैं। अब अफगानिस्तान वाले बेचारे को क्या पूछोगे कि काम पसंद है नहीं, वो बोलेगा सर काम मिल जाए, जिंदगी में सबसे बड़ी दुआ है काम मिल जाए, पैसे मिल जाए, राइट। ये सारे शशके आपके और मेरे हैं, राइट, नॉर्थ अमेरिका वालों का अलहमदुल्ला। तो वो ये कह रहे हैं कि 19% अमेरिका में जितने एम्प्लॉयज हैं, पहली तो बात है 37% लोगों के पास जॉब ही नहीं, 66 के पास जॉब है, ठीक है, 66 के पास काम है, तो 1/3 काम के बगैर है बेचारे, सोचो उनकी लाइफ कितनी मिजरेबल है, यस और नो? उस 66 में से 16% से 20% बिजनेस वाले और 40% जॉब वाले, यानी जॉब वाले डबल है, बिजनेस वाले आधे हैं, ठीक है। उस बिजनेस वालों में 1/3 3 दफा से ज्यादा फेल हुए, हाफ 5 दफा से ज्यादा फेल हुए, और बाकी 5 दफा फेल होने के बाद ट्राई करते रहे जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल है। यानी हर एक की लाइफ में मुश्किल है, राइट। जिसके पास काम नहीं है वो भी बहुत मुश्किल में है, जो सक्सेसफुल है वो भी 3 से 5 दफा फेल हुआ है, और जो जॉब कर रहा है उसको डर लगा हुआ है कि यार जॉब तो नहीं चली जाएगी, ले ऑफ तो नहीं हो जाऊंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, इंडिया में, वियतनाम में, श्रीलंका में सस्ते लोग हायर हो रहे हैं, अमेरिका में लोग, कनाडा में लोग ले ऑफ हो रहे हैं, आप देख रहे हो रोज रिपोर्ट्स, राइट। तो वो ये कह रहा है कि वो लोग जो सुकून में है उसमें से भी 20% लोग हेट करते हैं, कहते हैं कि यार काश मुझे सुबह जॉब पे ना जाना पड़े, मौत आती है जॉब पे जाते हुए। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, यस और नो? राइट। अब लोगों की शक्लें फ्राइडे को देख लेना और लोगों की शक्लें मंडे को देख लेना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, यस और नो? बहुत सारे लोग आंसर है, वो कह रहे हैं उसमें से 51% लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि ऑफिस में आग लग जाए वी डोंट केयर, इलेक्ट्रिसिटी चले जाए, लाइट चली जाए, इंटरनेट चले जाए, हमको छुट्टी मिल जाए यार, हमको काम नहीं करना है। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, बहुत सारे लोग के आसपास फैमिलीज बैठी हुई है, बोल रहे हैं यस बिल्कुल ऐसा ही होता है, रेज योर हैंड्स, ठीक है। तो 50% लोग तो काम करना ही नहीं चाहते, 20% लोगों को तो वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, आईसीयू में डाल देते हैं, उन्हें जॉब का नाम आता है ना, सुबह जॉब पे जाना है। खाली 30% लोग ऐसे हैं जो जाते हैं काम करने के लिए, काम करने के माइंडसेट से। तो कितने लोग खुश हुए 100 में से? 30, समझ आ गया बात, ठीक है। अब उस 30% में से 6% लोग प्रमोट होते रहते हैं, यानी 100 लोग अगर कुछ काम करने का सोचते हैं तो 70% लोग तो जबरदस्ती है, 30% लोग शायद अपनी मर्जी से हैं, शायद घर वालों ने डाला है, शायद एजुकेशन ली थी, मतलब खुश भी नहीं है नाराज भी नहीं है, जा रहे हैं, बट 6% लोग सुपर हैप्पी है। तो जिंदगी में भी 6% लोग ही होते हैं जो वो काम कर रहे होते हैं जो करना होता है। तो पहला सवाल सेल्फ रिफ्लेक्शन में ये है कि आप काम क्या कर रहे हो जिंदगी में, आप सब में से ज्यादातर लोग रिटायर हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ये मौका है कि वो काम कर लो जो हमेशा से करना था। ये बात समझ आ रही है? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, रेज योर हैंड्स। कोई हॉबी होगी जिंदगी में उसको प्रैक्टिस कर लो,
पैशन होगा जिंदगी में जो नहीं कर पाया उस वक्त, आज कर लो। तो लिखना शुरू करो। सेल्फ रिफ्लेक्शन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये होता है कि स्टार्ट राइटिंग के चाहिए क्या। परवीन लखानी जर्नल निकालेगी, बोलेगी क्या चाहिए, बोले यार एक स्कूल होना चाहिए बच्चों का। पूछते हैं ना तो यही बोलेगी ना, तीसरी दफा भी पूछोगे यही बोलेगी, राइट। गरीब बच्चों को पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, वो उसके अंदर लिखा हुआ है, राइट। दैट्स हर पैशन। उसको वो मौका मिल जाएगा ना करने के, वो सारे काम छोड़ देगी, शी विल डू दैट, राइट। बट कभी कभार मौका मिलता है, कभी कभार मौका बनाना पड़ता है। अशरफ रदानी को बोलोगे उसको कोई और शौक है, शरीफा ख्वाजा को बोलोगे उसको कोई और शौक है, मलिक मिठा को बोलोगे उसको कोई और शौक है। हमारे साथ एक और आती है, उनको एम्ब्रॉयडरी का शौक है, उसको आप बोलोगे कंप्यूटर, बोले अरे बाप रे मेरे बस की बात, मेरे को एम्ब्रॉयडरी बनाने का बोलो, राइट, मेरे को उसका शौक है। तो आप लिखो आपको किस चीज का शौक है, बिकॉज जब तक आप अपने शौक को नहीं पहचानोगे, वेदर यू आर 16 और वेदर यू आर 60, आपको वो हैप्पीनेस मिलेगी नहीं जिसके लिए आप एम्पावरमेंट की क्लासेस ले रहे हो। डू यू ऑल अग्री इन दिस पॉइंट, यस और नो? कि हर इंसान के पास कोई ना कोई पैशन होना चाहिए। तो लेट्स डू दैट। सेरेमनी 8 में यही है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना ताकि खुश रहा जा सके। और उसके बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन जब करने बैठोगे ना, तो बहुत सारे अपने सिंस याद आएंगे, बहुत सारे अपने गुनाह याद आएंगे जो कि किए होंगे, लोगों के साथ हमने गलतियां की होगी, तो उसकी माफी मांग लेना ताकि आपका हिसाब किताब क्लियर होता जाए दुनिया में, राइट। सो ये वो चीजें थी जो इमाम अली ने सेरेमनी 7 और 8 में बोली। कौन समराइज करेगा? जैस्मिन, वुड यू लाइक टू समराइज सेरेमनी 7 और फिर सरोज सेरेमनी 8, एंड देन वी क्लोज द क्लास। यू कैन अनम्यूट जैस्मिन। तो आज हमने सीखा कि हैविंग स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड लाइफ में मिरेकल्स पैदा कर देता है, और लाइफ में बहुत सारी चीजें जो जिसमें हम फंसे हुए होते हैं उससे हमको निकाल लेता है। सो विद दिस वी एंड टुडेज एम्पावरमेंट टॉक, एंड इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम।